लंबी प्रतीक्षा के बाद सोनापुर रेलवे ओवरब्रिज की दूसरी लेन आम जनता के लिए खोल दी गई है। शाम होते ही दोनों लेन पर वाहन दौड़ने लगे। सेतु निगम के अधिकारियों का मानना है कि इस पुल के चालू होने से 5 लाख की आबादी को सीधे फायदा मिलेगा। इससे पहले 20 नवंबर को पुल की पहली लेन खोली गई थी। सोनापुर आरओबी की दूसरी लेन की सड़क को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक हॉट मिक्स सामान से लदे वाहन और रोलर चलाए जा रहे हैं। एक तरफ सड़क का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ चूना छिड़काव करने के बाद रोलर चलाया जा रहा है। पुल पर सड़क बनने के बाद मौके पर उपस्थित सेतु निगम के परियोजना निदेशक रामकिशोर सिंह और सहायक अभियंता एमएल सागर ने स्थिति परखने के बाद शाम 5 बजे आम जनता के लिए पुल खोलने के निर्देश दिए हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों ने सीमेंट से निर्मित बैरियर को हटा दिया। इसके बाद 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का संचालन शुरू हो गया। अब कांट रोड से दिल्ली हाईवे जाने के लिए शहर में घूमना नहीं होगा। ये पुल स्थानीय लोगों और कांट की तरफ आने वालों के लिए काफी सुगम हो गया है। पुल के बीच से सिरकोई भूड़ और माथो सिंह पुरवा की तरफ आने जाने के लिए दोनों तरफ के रास्ते खोल दिए गए। इन दोनों अप्रोच मार्गों को भी आवागमन के लिए बंद किया गया था। आरओबी की पहली लेन 20 नवंबर को खोली गई थी। इसके बाद से ही सिरकोई भूड़ क्षेत्र के लोग दूसरी लेन खोलने की प्रतीक्षा में लगे थे। लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री के लोकार्पण से पहले पुल के चालू होने से विकास भवन जाने का रास्ता आसान हो गया है।